आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलरामपुर में विगत दिनों हुए ग्राम प्रधान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। हत्या अभियुक्त शिव नारायण उर्फ एसवी यादव को पुलिस मुठभेड़ में एक अवैध तमंचा, 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में हत्या अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर किया गया था फायर। जवाब में पुलिस के फायर में हत्या अभियुक्त हुआ घायल, हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। हरैया थाना क्षेत्र के करझार नाले के समीप से पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्या अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दिनांक 26 दिसंबर को थाना क्षेत्र महाराजगंज तराई के ग्राम रूपनगर में प्रधान श्री राधेश्याम वर्मा की हत्या हुई थी, जिसमें अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। 4 लोग नामजद थे और तब से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। कल जो है मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि उनमें से एक अभियुक्त भागने की फिराक में है। जिस सूचना पर पुलिस टीम महाराजगंज तराई और SOG की हमारी टीम, इनके द्वारा खाराजार नाले के पास में उसको ट्रेस किया गया और वहाँ पे पुलिस को देखकर अभियुक्त जो है भागने की कोशिश की और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उनके ऊपर फायर किया, जिसमें उनको पैर में चोट आई। उसके बाद उसको उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिव नारायण उर्फ SB बताया गया। अभियुक्त शिव नारायण SB को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और उससे आगे की घटना के संबंध में पूछताछ की गई और उस पूछताछ के आधार पे 2 अन्य अभियुक्तगण राम नारायण और श्याम नारायण, उनको भी पुलिस महाराजगंज टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अभियुक्त गणों से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनकी मृतक राधेश्याम वर्मा से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। अभी 3-4 महीने पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था और इसी कारण से इनके द्वारा ये घटना की गई है। पूछताछ में एक अन्य अभियुक्त का भी नाम प्रकाश में आया है झिल्ला, जिसके संबंध में हम लोग गिरफ्तारी का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।